सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश बुरवा, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका टीचर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वापस से। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द एमाइंस टूवर्ड्स द रिएक्शंस। तो इस केमिकल इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले बच्चों बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एमाइन और प्राइमरी एमाइन के अंदर पढ़े बेसिसिटी ऑफ एमाइंस के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों सीक्वेंस ऑफ बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन। तो उसका हम कंपेयर कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ में। तो सबसे पहले हम बच्चों ये सीख लेते हैं कि वाई अमोनिया इज कंसिडर एज ए बेस। तो अमोनिया को बेस की तरह क्यों कंसिडर किया जाता है, सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अमोनिया, आप लोगों को पता है बच्चों, द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3 एंड वन लोन पेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अमोनिया। वन लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द अमोनिया एंड अमोनिया इज कंसिडर एज ए लुईस बेस। तो वाट इज द रीजन दैट अमोनिया इज कंसिडर ए बेस, इसका क्या रीजन बच्चों? इसका रीजन ये है कि जो ये अमोनिया है ना बच्चों, इसके पास में एक लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर क्या होता है बच्चों? इजीली अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से ये आराम से क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। और इसी वजह से ये अमोनिया को किस कैटेगरी में माना गया बच्चों? बेस की कैटेगरी में माना गया। और कौन सा बेस है ये बच्चों? ब्रोंस्टेड बेस माना गया। इसको लुईस बेस की तरह भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अमोनिया जो है ये लुईस बेस या ब्रोंस्टेड बेस हम इसको मान सकते हैं। तो ये जो अमोनिया है ना बच्चों, ये क्या करता है? ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को। अब अगर हम इसका कंपेयर करें किससे बच्चों? एमाइन से। तो एमाइन हमें पता है बच्चों, एमाइन को हमने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन। देयर आर थ्री टाइप ऑफ एमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। अब अगर हम कंपेयर करें कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है या एमाइन ज्यादा बेसिक है, तो इसका एक ही आंसर है बच्चों, दैट एमाइंस आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया। अमाइंस आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई एमाइंस आर कंसिडर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया, इसका रीजन क्या है? तो चलिए हम इसका रीजन भी पता लगाते हैं, रीजन ढूंढते हैं। तो अमोनिया के अंदर हमें पता है बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अगर हम एमाइन की स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे हम प्राइमरी एमाइन की हम बात करते हैं, तो प्राइमरी एमाइन को हम किस टाइप से लिखते हैं? RnH2 से लिखते हैं। RnH2 इज द एमाइन वेयर R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। R क्या बच्चों? एल्काइल ग्रुप है। तो ये एमाइन के ऊपर भी जो NH2 ग्रुप है उसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे बच्चों ये मैंने 1 डिग्री एमाइन की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? 1 डिग्री एमाइन की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 डिग्री एमाइन को और मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ? मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, ये आर एन एच एन एच, दीज आर द लोन पेयर प्रेजेंट ओवर द नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आर है ना बच्चों, ये आर क्या इफेक्ट शो करता है? ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बच्चों? एक्चुअल में इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज द एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है ये। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा टूवर्ड्स द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कहाँ से आ रही है बच्चों? एल्काइल ग्रुप की साइड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई आ रही है, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करते हैं। और पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेंगे नाइट्रोजन की तरफ, और नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और कोई भी कंपाउंड अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो वो क्या माना जाता है बच्चों? अच्छा बेस माना जाता है। डेट इज वाई एमाइंस में हम कोई भी एमाइन ले सकते हैं बच्चों, प्राइमरी एमाइन ले सकते हैं, सेकेंडरी एमाइन ले सकते हैं, टर्शियरी एमाइन ले सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ एमाइंस आर मच मोर बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि जो एमाइन है और अगर हम अमोनिया दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो एमाइंस क्या होगी बच्चों? ज्यादा बेसिक होगी एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो एक स्टेटमेंट हमें ये पता चल गया दैट एमाइंस आर
more basic as compared to ammonia. Amines are more basic as compared to ammonia. तो यहाँ पे बच्चों मैंने comparison किया है primary amine का और ammonia के बीच में. प्राइमरी एमाइन और अमोनिया के बीच में मैंने कंपैरिजन किया है तो मैंने पाया कि जो एमाइंस होती है बच्चों वो अमोनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होती है. अब अगर हम देखें कि एमाइन के अंदर जो एमाइंस हमें पढ़ा ना बच्चों के प्राइमरी एमाइन होती है, सेकेंडरी एमाइन होती है और टर्सरी एमाइन होती है. प्राइमरी एमाइन तो अभी हमने बताया था, ये प्राइमरी एमाइन है बच्चों. देखो ये एल्काइल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और साथ में नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब ये सेकेंडरी एमाइन की बात करता हूँ तो सेकेंडरी एमाइन में R2NH होता है. R2NH ये इसका क्या आता है बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है. तो ये R क्या है बच्चों, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन और ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. अब टर्सरी एल्काइल के अंदर क्या होता है, टर्सरी एमाइन के अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस हो जाता है. किससे बच्चों, किससे डिस्प्लेस हो जाता है, ये एल्काइल ग्रुप से डिस्प्लेस हो जाता है. तो ये टर्सरी एमाइन का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला R3N और यहाँ पे बच्चों क्या है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है. यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि एमाइन के अंदर हमें पता है कि एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है. अगर प्राइमरी एमाइन हो तो एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, सेकेंडरी एमाइन होगी तो उसमें दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे और अगर टर्सरी एमाइन होगी तो यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे. और एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट की होती है. प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ये. प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किस साइड में करेंगे बच्चों, नाइट्रोजन की साइड में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे. तो फाइनली क्या होगा, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी. अब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है वो आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और जो जल्दी जितना जल्दी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस माना जाता है. अगर मैं प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन का कंसिडर करता हूँ, दोनों के अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो सेकेंडरी एमाइन के अंदर बच्चों ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो एल्काइल ग्रुप है आर एंड आर. आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं आर एंड आर. अब ये क्या करेंगे बच्चों, दोनों पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे. दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे टूवर्ड्स द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की साइड में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्राइमरी एमाइन के कंपेरिजन में ज्यादा हो जाएगी. यहाँ पे ये बात देखने ध्यान देने वाली है कि सेकेंडरी एमीन की जो बेसिसिटी होगी ना बच्चों वो प्राइमरी एमीन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. इसी टाइप से अगर हम टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी एमाइन में हमें पता है बच्चों तीन एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं और तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो तीनों क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे. तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो तीनों क्या करेंगे, तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे. अब जब तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो फाइनली नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. अब जब नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नाइट्रोजन के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना. तो अगर हम वेपर फेज की बात करते हैं बच्चों, वेपर फेज का मतलब होता है अगर हम नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, अगर एमाइंस को, एमाइंस कौन कौन सी बच्चों, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन. मैं अभी बात कर रहा हूँ बच्चों कंपेरिजन बिटवीन प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन, इसकी मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ. ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो एमाइंस होती है ना बच्चों वो हमेशा ही अमोनिया से क्या होगी बच्चों, अमोनिया से मच मोर बेसिक होगी. ये मैंने आप लोगों को समझा दिया. अब मैं किसका कंपैरिजन कर रहा हूँ बच्चों, अब मैं अमोनिया के बीच में कंपैरिजन, सॉरी अभी मैं एमाइंस के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ. तो एमाइंस तीन टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन. अब हम देखना चाहते हैं कि प्राइमरी एमाइन ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी है या टर्सरी है. तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. किस किस बेसिस पर देखेंगे, पहला हम देखेंगे वेफर फेज में कि वेफर फेज में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन की बेसिसिटी का क्या सीक्वेंस है. और दूसरा हम देखेंगे बच्चों एक्वस फेज में, एक्वस फेज में इन एमाइंस की बेसिसिटी का सीक्वेंस क्या है. तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, अगर एमाइंस को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस को अगर हम वेपर फेज में लेते हैं, वेपर फेज का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों कोई भी हम सॉल्वेंट नहीं लें, कोई भी सॉल्वेंट का मतलब है यहाँ पे कोई भी पोलर सॉल्वेंट नहीं लेते हैं. यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट क्या है बच्चों, वाटर. अगर हम एमाइंस को पानी में डिजोल्व नहीं करते हैं और उनको सिर्फ गैसेस स्टेट के अंदर अगर हम कंसिडर करते हैं कि तीनों एमाइंस किस फेज में है बच्चों, गैसेस फेज में या वेपर फेज में है, तो वेपर फेज में कौन से टाइप की एमीन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर की होगी और कौन सी एमीन सबसे लीस्ट बेसिक नेचर की होगी, ये हमें
कंसीडर करना है। सेकेंड हम केस लेंगे बच्चों एमाइंस को किसके अंदर डिजोल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। तो वाटर के अंदर डिजोल्व करने से इसकी बेसिसिटी का सिक्वेंस है ना वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो किस टाइप से चेंज होता है चलिए हम स्टडी कर लेते हैं, चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि R क्या होता है। यहाँ पे जो एल्काइल है ना ये R क्या है बच्चों, ये एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है किसकी साइड में, नाइट्रोजन की साइड में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो अगर हम वेपर फेज की बात करते हैं मतलब इसके अंदर कोई भी प्रोटिक सोलवेंट नहीं है। प्रोटिक सोलवेंट का मतलब होता है ऐसा सोलवेंट जो आराम से प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो हमारे पास में प्रोटिक सोलवेंट क्या है बच्चों, पानी है। वाटर का अगर हम कंसिडर करते हैं तो वाटर क्या होता है बच्चों, प्रोटिक सोलवेंट है या पोलर सोलवेंट है। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को वेपर फेज में ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो टर्सरी एमाइन है ना बच्चों, टर्सरी एमाइन R3N इज मच मोर बेसिक एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एमाइन, एंड सेकेंडरी एमाइन आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू टर्सरी सॉरी प्राइमरी एमाइन। ये सीक्वेंस हमें मिलता है, ये सीक्वेंस हमें मिलता है किसमें बच्चों, वेफर फेज में। आप लोगों को बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, नहीं हुई क्लियर तो मैं आपको वापस बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पे R क्या है बच्चों, R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। R क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप है, सीनो में एल्काइल ग्रुप है। लेकिन टर्सरी एमाइन के अंदर तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे किस साइड में, नाइट्रोजन की साइड में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस नाइट्रोजन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। सेकेंडरी एमाइन में सिर्फ दो ही एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो दोनों क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे नाइट्रोजन के साइड में। और प्राइमरी एमाइन में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एक साइड से इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा नाइट्रोजन की साइड में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके पास में है, टर्सरी के पास में। तो अगर हम बेसिसिटी का सिक्वेंस चेक करें तो टर्सरी एमाइन आर मच मोर बेसिक एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी एमाइन आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू प्राइमरी एमाइन इन वेफर फेज। वेफर फेज में ये सीक्वेंस एप्लीकेबल होगा बच्चों। वेफर फेज का मतलब है गैसेस फेज में अगर हम एमाइंस को ले लेते हैं और उसकी बेसिसिटी का सीक्वेंस चेक करते हैं तो टर्सरी एमाइन इज मच मोर बेसिक देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू प्राइमरी एमाइन। अब हम बात करेंगे बच्चों एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसकी बेसिसिटी का सीक्वेंस क्या है। तो जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मतलब हम एमाइन को किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं बच्चों, एमाइन को हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर। जब हम एमाइन को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं ना बच्चों तो इसका एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है हमें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमाइन मिलेगा। ये आप लोगों को पता होगा एक्वस सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें हम डिजोल्व करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को किसमें डिजोल्व कर रहे हैं, पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो एमाइन से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इन तीनों का सीक्वेंस अलग अलग हो जाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, ये तीन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो तीन बातें कौन कौन सी है ये मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है ना बच्चों जो इनकी सीक्वेंस को इफेक्ट करता है वो है प्लस आई इफेक्ट। पहला इफेक्ट कौन सा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। सेकेंड हम इफेक्ट इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों, सेकेंड हम इफेक्ट पढ़ेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्टेरिक, सेकेंड हम पढ़ लेते हैं बच्चों सोलवेशन। पहले हम सोलवेशन ले लेते हैं बाद में स्टेरिक हिंड्रेंस लेंगे। तो सेकेंड हम ले लेंगे सोलवेशन, सोलवेशन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट हम ले लेते हैं सोलवेशन, और थर्ड इफेक्ट हम लेते हैं बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये तीन इफेक्ट के ऊपर हमें क्या करना है बच्चों, इसकी बेसिसिटी का सीक्वेंस चेक करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट आप लोगों को पता चल गया होगा, जो एमाइंस के अंदर जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ना, एमाइन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये R, ये क्या शो करता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर मैं प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करता हूँ, अगर मैं प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करता हूँ और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को अगर मैं बेसिसिटी के ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्लस आई इफेक्ट, देन वी शो दैट टर्सरी एमाइन आर मच मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमाइन
एंड सेकेंडरी एमाइन आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू प्राइमरी एमाइन। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमने किस बेसिस पे लिया है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे लिया है। अब अगर बच्चों मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इफेक्ट लेता हूँ, सोलवेशन इफेक्ट। तो सोलवेशन इफेक्ट क्या है बच्चों, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो सोलवेशन इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों, जब किसी भी एमाइन को मैं पानी में डिजोल्व करता हूँ, एमाइन को मैं क्या करता हूँ बच्चों, पानी में डिजोल्व करता हूँ। इफ आई डिजोल्व एमाइन इन वॉटर, तो पानी में जब मैं एमाइन को डिजोल्व करूंगा तो मैं प्राइमरी एमीन को भी डिजोल्व करूंगा, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एमाइन को मैं क्या करूंगा बच्चों, इनका एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं, एक्वस सॉल्यूशन पानी के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन जब हम लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, तो अब मुझे क्या चेक करना है बच्चों, सेकेंड वाला पॉइंट चेक करना है, सोलवेशन, सोलवेशन इफेक्ट चेक करना है। सोलवेशन इफेक्ट का मतलब होता है जब मैं प्राइमरी एमीन है ना ये बच्चों, ये R, N और H2। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ बच्चों, R, N, H2 की बात करता हूँ, तो ये क्या है बच्चों, ये पानी में जैसे ही इसको हम डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करती है, ये पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। ये क्या करेगी, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। किस टाइप से बनाएगी, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस टाइप से वाटर के साथ में ये क्या बनाती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ओ एच टू, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ओ एच टू, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ओ एच टू। अब मैं सेकेंडरी एमाइन की बात करता हूँ, ये मैंने बात की है प्राइमरी एमाइन की, सोलवेशन इफेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अब सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं बच्चों, सेकेंडरी एमाइन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी एमाइन में मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, आर टू एन एच होता है, और आर टू एन एच को मैं ऐसे लिखूंगा, आर एन एच, ये आर। अब यहाँ पे मुझे वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ने हैं, तो मैं सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ दो जगह जोड़ पाऊंगा बच्चों। कहाँ कहाँ पे जोड़ पाऊंगा मैं वाटर के मॉलिक्यूल, एक तो इस एच के पास में जोड़ पाऊंगा, और एक इस N के पास में वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ पाऊंगा। तो सेकेंडरी एमाइन में पानी के मॉलिक्यूल सिर्फ दो जगह जुड़ेंगे, जबकि अब मैं बात करता हूँ बच्चों टर्शियरी एमाइन की। अगर मैं टर्शियरी एमाइन की बात करता हूँ तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे कहाँ कहाँ पे जुड़ सकते हैं, तो टर्शियरी एमाइन है आर थ्री एन। अब मैं इसकी बात, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको आर एन। अब ये इस यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ेगा ना बच्चों, वो सिर्फ एक ही जगह जुड़ रहा है यहाँ पे। प्राइमरी एमाइन में हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे तीन जगह वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, सेकेंडरी एमाइन में दो जगह वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, और टर्शियरी एमाइन में सिर्फ एक ही जगह वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। तो सोलवेशन इफेक्ट के ऊपर अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबसे ज्यादा सोलवेशन एनर्जी हमें कहाँ मिलती है बच्चों, प्राइमरी एमाइन के अंदर मिलती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो अगर हम सोलवेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो प्राइमरी एमाइन आर मच मोर बेसिक एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी एमाइन आर मच मोर बेसिक एज कम्पेयर टू टर्शियरी एमाइन। समझ में आ गया बात? जब हम प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो हमने देखा था कि जो टर्शियरी एमाइन है वो सबसे ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी एमाइन मच मोर बेसिक एज कम्पेयर टू प्राइमरी एमाइन। ये हमने देखा था बच्चों प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। ये जो सीक्वेंस आया बच्चों हमारे पास में आया है अकॉर्डिंग टू सोलवेशन इफेक्ट। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर समझ, पॉइंट समझ में आ गया होगा, पॉइंट समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड इफेक्ट हम देखते हैं बच्चों, और थर्ड इफेक्ट है हमारे पास में स्टेरिक हिंड्रेंस। थर्ड इफेक्ट है हमारे पास में स्टेरिक हिंड्रेंस। तो चलिए इस ड्रॉइंग को मैं साफ कर देता हूँ, और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस का। तो थर्ड पॉइंट है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, अब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बच्चों, अगर कोई भी एमाइन है तो एमाइन के अंदर जो नाइट्रोजन होगा उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और अब ये लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये किसकी तरह काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेशन के लिए ऑलवेज रेडी होता है। अब मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चों प्राइमरी एमाइन की बात करता हूँ। तो प्राइमरी एमाइन में मैं लिखता हूँ
ये आर एन, ये मैंने लिखा यहाँ पे एच, ये लिख दिया एच, ये क्या बच्चों प्राइमरी एमाइन है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि इस नाइट्रोजन की, ये प्राइमरी एमाइन, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन भी लिख देता हूँ, ये मैंने सेकेंडरी एमाइन लिख दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया एच, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्शियरी एमाइन, ये हो गया आर एन आर आर, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करना है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करना है, किसकी तरफ बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरफ अप्रोच करना है, तो उस इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्राइमरी एमाइन को अप्रोच करना बहुत ही आसान हो जाएगा। रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये है कि नाइट्रोजन, देखो ये नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप, इधर सेकेंडरी एमाइन के अंदर एक नाइट्रोजन, दो बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप, टर्शियरी एमाइन के अंदर नाइट्रोजन और तीनों साइड में बल्कि एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये देखो छोटे छोटे एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे एटम जुड़े हुए हैं और एक ही साइड में सिर्फ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को नाइट्रोजन की तरफ अप्रोच करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। रीजन क्या है कि यहाँ बहुत ही छोटे छोटे एटम्स जुड़े हुए हैं, और छोटे छोटे एटम्स जुड़े हुए हैं तो इस नाइट्रोजन के पास में ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, ज्यादा यहाँ पे क्राउडनेस नहीं है। अब यहाँ पे क्राउडनेस नहीं होने की वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का इस न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सेकेंडरी एमाइन की मैं बात करता हूँ बच्चों, अब मैं सेकेंडरी एमाइन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन में दो बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं बच्चों, ये देखो ये आर एंड ये आर। आर क्या है यहाँ पे बच्चों, एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप का साइज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। इस वजह से इस इलेक्ट्रोफाइल को, इस नाइट्रोजन को अप्रोच करने में क्या होगी बच्चों, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अप्रोच कम हो गई। अब मैं अगर टर्शियरी एमाइन की मैं बात करता हूँ बच्चों, तो ये टर्शियरी एमाइन के अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल को किसकी तरफ जाना है बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास में जाना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ और ये एक ये जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये नाइट्रोजन के पास में क्राउडनेस बहुत ही ज्यादा है। अब जब नाइट्रोजन के पास में क्राउडनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से स्टेरिंग हिंड्रेंस के बेसिस पे अगर हम तीनों की बेसिसिटी का सिक्वेंस चेक करते हैं तो हमें प्राइमरी एमाइन मच मोर बेसिक लगती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी एमाइन हमें ज्यादा बेसिक लगती है एज कम्पेयर टू टर्शरी एमाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। इसी टाइप से हमने प्लस आई इफेक्ट के बारे में भी देखा था बच्चों, ये प्लस आई इफेक्ट अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ। अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग इन सभी को इसकी बेसिसिटी चेक करूँ तो मुझे मैंने पाया कि जो टर्शियरी एमाइन है वो ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी एमाइन ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एमाइन। अब अगर मैं सोलवेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, सोलवेशन इफेक्ट, तो सोलवेशन इफेक्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोलवेशन इफेक्ट, सोलवेशन इफेक्ट, ये प्लस आई था। सोलवेशन इफेक्ट के ऊपर हमने जब देखा था तो इसको हमने बताया था कि बच्चों जो प्राइमरी एमाइन है ना वो सबसे ज्यादा क्या करती है, सोलवेशन एनर्जी रिलीज करती है जब वो वाटर से जुड़ती है। तो ये सीक्वेंस आया था मेरे पास में, स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस है, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस है, सोलवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस है। तो तीनों, अगर तीनों इफेक्ट को अगर हम कंसिडर करते एक साथ में तो हमारे पास में अलग अलग एमाइंस के लिए अलग अलग टाइप का सीक्वेंस आता है। तो किस टाइप का सीक्वेंस आता है चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बच्चों जो एमाइन है ना, एमाइन के अंदर ये आर जो होता है ना बच्चों, आर को मैं किसकी तरह, आर को डिस्प्लेस कर देता हूँ अगर मैं सी एच थ्री, अगर मैं लेता हूँ एल्काइल ग्रुप सी एच थ्री, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन में यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन में लिखता हूँ इसके बढ़ते हुए सीक्वेंस में, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, इनकी बेसिसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, आर की जगह सी एच थ्री ले रहा हूँ, तो जब मैं आर की जगह सी एच थ्री लेता हूँ तो इसकी जो बेसिसिटी का सीक्वेंस होगा बच्चों वो ये होगा, सेकेंडरी एमाइन
इज मच मोर बेसिक, मच मोर बेसिक एज कंपेयर टू प्राइमरी एमाइन CH3 NH2 एंड प्राइमरी एमाइन इज मच मोर बेसिक एज कंपेयर टू टर्सरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन आर ऑलवेज मच मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। ये सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? ये कब होगा बच्चों? जब मैं R की जगह क्या ले लेता हूँ? CH3। R की जगह मैं क्या लेता हूँ? CH3 लेता हूँ, तब ये सीक्वेंस मेरे पास आता है। टर्सरी एमाइन ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू प्राइमरी एमाइन, और प्राइमरी एमाइन ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सॉरी प्राइम, ये है सेकेंडरी एमाइन। सीक्वेंस में वापस लिख देता हूँ। सेकेंडरी एमाइन हमेशा ही क्या होगी बच्चों? ज्यादा बेसिक होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज्यादा है यहाँ पे टर्सरी से, और टर्सरी सबसे ज्यादा है, ज्यादा है जीरो से, मतलब जीरो का मतलब यहाँ पे हमने क्या मान लिया है? अमोनिया को मान लिया है। तो ये सीक्वेंस आता है जब मैं क्या लेता हूँ? आर की जगह CH3 लेता हूँ। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी? होगी, क्लियर होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर की जगह C2H5। अब मैं R की जगह अगर मैं C2H5 ले लेता हूँ, तो मेरे पास में बेसिसिटी का सीक्वेंस हो जाएगा सेकेंडरी एमाइन, ये है सेकेंडरी एमाइन, ये ज्यादा बेसिक होगी हमेशा ही किसके कंपैरिजन में, ये होगी ज्यादा बेसिक एज कंपेयर टू टर्सरी एमाइन से, ये होगी टर्सरी एमाइन, और टर्सरी एमाइन ज्यादा बेसिक होगी किसके कंपैरिजन में बच्चों? प्राइमरी एमाइन से। और सारी एमाइन किससे ज्यादा बेसिक होती है बच्चों? अमोनिया से ज्यादा बेसिक होती है। तो इसका सीक्वेंस आ गया 2, 3, 1 और 0। सेकेंडरी एमाइन ज्यादा बेसिक एज कम्पेयर टू टर्सरी, टर्सरी ज्यादा बेसिक एज कम्पेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज्यादा बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो ये सीक्वेंस आता है जब मैं आर की जगह क्या लिख देता हूँ? C2H5 लिख देता हूँ। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक में मैं बता देता हूँ कि R की जगह हम क्या लिखेंगे तो कौन सा सीक्वेंस आएगा। बहुत सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनेंगे तो ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास में है बच्चों ये सेकेंडरी एमाइन, ये देखो एक वन मिनट, ये है प्राइमरी एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन, ये टर्सरी एमाइन, और इसका कंपैरिजन करता हूं मैं अमोनिया से। तो अगर मैं R को क्या लिखता हूं बच्चों? R को लगता हूं CH3, और मैं R की जगह क्या लिखता हूं? C2H5। R की जगह एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप ले लेता हूं, R की जगह मैं इथाइल ग्रुप ले लेता हूं। अगर मैं छोटा ग्रुप लेता हूं तो सीक्वेंस हमेशा क्या आएगी? 2, 1, 3, 0। अगर मैं बड़ा ग्रुप ले लेता हूं तो सीक्वेंस क्या आएगी बच्चों? 2, 3, 1, 0। देखो 2 तो पहले आएगा ही आएगा, ये 2 तो आएगा ही आएगा, दोनों में पहले 2 आएगा। अब देखो जब छोटा ग्रुप लिया तो 2 के बाद में क्या आएगा? छोटा नंबर आएगा। जब हम बड़ा ग्रुप लेते हैं तो 2 के बाद में क्या आएगा? बड़ा ग्रुप आएगा। बस ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखनी है, इससे हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो आई थिंक द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस इज वेरी क्लियर टू यू, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है तो उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, R की जगह अगर मैं C2H5 लगा देता हूँ तो सीक्वेंस क्या रहेगा? 2, 3, 1, 0। और अगर R की जगह मैं CH3 ग्रुप लगा देता हूँ बच्चों तो सीक्वेंस क्या रहेगा बच्चों? 2, 1, 3, 0। तो याद करने की ट्रिक क्या? बहुत सिंपल ट्रिक है, मतलब R की जगह मतलब एल्काइल ग्रुप अगर मैं बड़ा लगा देता हूँ, C2H5 लगा देता हूँ, तो 2 के बाद में सीधा क्या आएगा? बड़ा नंबर आएगा, 3 आएगा। और अगर मैं R की जगह CH3 लगा देता हूँ, मतलब छोटा ग्रुप लगा देता हूँ, एल्काइल ग्रुप में छोटा ग्रुप लगा देता हूँ, तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा? 2 के बाद में सीधा छोटा नंबर आएगा। छोटा नंबर कौन सा है? 1 आएगा, उसके बाद में 3 आएगा, और सबसे लास्ट में 0 आएगा। देखो यहाँ पर भी सबसे लास्ट में 0 आ रहा है, सबसे फर्स्ट नंबर पे 2 आ रहा है। 1 और 3 के अंदर कन्फ्यूजन रहता है, 1 और 3 के अंदर कन्फ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत सिंपल ट्रिक है बच्चों, सिंपल ट्रिक क्या है? अगर छोटा ग्रुप है तो 2 के बाद में 1 लगाओ, बड़ा ग्रुप है तो 2 के बाद में 3 लगाओ, बस।
तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से बच्चों। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है हमारा वीडियो लेक्चर तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, तो हमने बेसिसिटी का सीक्वेंस पूरा पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, अभी आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बेसिसिटी का सीक्वेंस एमाइन के एनिलीन के अंदर पढ़ लेते हैं। तो एनिलीन के अंदर बेसिसिटी का सीक्वेंस हम देख लेते हैं। तो दिस इज द बेसिसिटी सीक्वेंस इन अमोनिया, अमोनिया के अंदर ये बेसिसिटी का सीक्वेंस है बच्चों, सॉरी एनिलीन के अंदर बेसिसिटी का सीक्वेंस है। तो जो एनिलीन है ना बच्चों, तो एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये बेंजीनिंग, और बेंजीनिंग के ऊपर क्या है बच्चों NH2, दिस इज द बेंजीनिंग और बेंजीनिंग के ऊपर क्या है बच्चों NH2 है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये जो लोन पेयर है ना ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये जो लोन पेयर है ये डोनेशन के लिए इजिली अवेलेबल नहीं होता, और ये लोन पेयर इजिली अवेलेबल नहीं है इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इसकी जो बेसिसिटी है वो किसके कंपैरिजन में कम होती है, इसकी बेसिसिटी अमोनिया के कंपैरिजन में भी कम होती है। तो कैसे होती है चलिए हम देख लेते हैं। हम बना रहे हैं बच्चों यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन, एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताते हैं। तो एनिलीन जो है ये एरोमेटिक एमाइन है, दिस इज द एरोमेटिक एमाइन, ये है एनिलीन। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इस टाइप से। तो ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ये रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। तो रिंग के अंदर जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी बच्चों, ये अगर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर इस साइड में आएगा तो ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जब यहाँ पे आएगा तो नेक्स्ट जो रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी। देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए थे, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस में चार्ज आ गया, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होकर यहाँ आ गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड बेसिक वैसे थे। अब क्या होगा बच्चों नेक्स्ट में, ये जो है ना ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ आएगा तो ये जो चार्ज है वो खिसक कर यहाँ आ जाएगा, तो नेक्स्ट रेजोनेंट की स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगी ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो यहाँ पे मैंने बना दिया डबल बॉन्ड। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ आ गया इस जगह पे, इस जगह पे आ गया। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये जो बॉन्ड है ना बच्चों ये खिसक के क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी, यहाँ पे NH2 ये पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ आ गया, तो ये जो था ना बच्चों शिफ्ट होकर यहाँ आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। अब क्या होगा बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो है ना नेगेटिव चार्ज ये वापस इधर आएगा तो ये वापस घूम के कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगी। तो नाइट्रोजन के पास में जितने लोन पेयर थे पहले वो मिल गए इसको वापस, ये खिसक कर यहाँ आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ये और ये यहाँ पर बन गया। तो इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर, एनिलीन के अंदर होती है। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है ना बच्चों ये लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। रीजन क्या है कि ये जो लोन पेयर है ये क्या करते हैं, रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बेंजीनिंग के अंदर ये क्या करते हैं घूमते रहते हैं, इस वजह से इसकी बेसिसिटी अमोनिया से भी कम होती है। एनिलीन इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया।